दोस्तों, आज के वीडियो में 90 के दशक की बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के फिल्मी करियर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, लाइक से ही हमारा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, ममता कुलकर्णी का पूरा नाम ममता मुकुल कुलकर्णी है। इनका जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई शहर में हुआ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। इनकी सबसे पहली मूवी आई थी दोस्तों 1993 में तिरंगा। इस मूवी में नाना पाटकर, राजकुमार, ममता कुलकर्णी, वर्षा उसगांवकर और हरीश लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। इस मूवी ने 12 करोड़ 55 लाख की कमाई की। अगली मूवी आई थी 1992 में मेरा दिल तेरे लिए। इसमें ममता कुलकर्णी, अरुण भल्ला, रजा मुराद, कादर खान थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। दोस्तों, अगली मूवी आई थी 1993 में आशिक आवारा। इसमें ममता कुलकर्णी, सैफ अली खान, कादर खान थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली मूवी आई थी 1993 में भूकंप। इसमें जितेंद्र, राहुल राय, ममता कुलकर्णी, दीपा शाही लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में वक्त हमारा है। इसमें ममता कुलकर्णी, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, आयशा जुल्का लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में अशांत। इसमें ममता कुलकर्णी, अक्षय कुमार, अश्वनी भावे लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1994 में बेताज बादशाह। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा, ममता कुलकर्णी, राजकुमार लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1994 में आई थी अनोखा प्रेम युद्ध। इसमें ममता कुलकर्णी, प्रशांत, अरुणा इलारी लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी गैंगस्टर। इस मूवी में देवानंद, ममता कुलकर्णी, अनीता अयूब लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी दिलबर। इस मूवी में ममता कुलकर्णी, ऋषिकेश राज, नवाज खान लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी क्रांतिवीर। इसमें ममता कुलकर्णी, अतुल अग्निहोत्री, नाना पाटकर, डिंपल कपाडिया, डैनी डंजम्पा, परेश रावल थे। ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इस मूवी ने 15 करोड़ 85 लाख की कमाई की। अगली मूवी 1994 में आई थी वादे इरादे। इसमें अक्षय कुमार, ममता कुलकर्णी, कुलभूषण खरबंदा लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। अगली मूवी 1995 में आई थी जिसका नाम था करण अर्जुन। इस मूवी में सलमान खान, ममता कुलकर्णी, शाहरुख खान, काजोल, राखी गुलजार थे। ये मूवी ब्लॉकबस्टर है। इस मूवी में 43 करोड़ 63 लाख की कमाई की। अगली मूवी 1995 में आई थी आंदोलन। इस मूवी में संजय दत्त, गोविंदा, ममता कुलकर्णी, आशा पारेख, सोमी अली लीड रोल में थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली 1995 में आई थी बाजी। इस मूवी में आमिर खान, ममता कुलकर्णी, परेश रावल, रजा मुराद लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में पुलिस वाला गुंडा। इस मूवी में धर्मेंद्र, रीना राय, ममता कुलकर्णी, मुकेश खन्ना लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1995 में सबसे बड़ा खिलाड़ी। इसमें अक्षय कुमार, ममता कुलकर्णी, मोनिश बहल, गुलशन ग्रोवर थे। ये मूवी हिट रही थी। इस मूवी ने 16 करोड़ 10 लाख की कमाई की। अगली मूवी आई थी इसी साल में किस्मत। इस मूवी में ममता कुलकर्णी, गोविंदा राखी, सुरेश ओबराय लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली मूवी आई थी इसी साल में अहंकार। इस मूवी में ममता कुलकर्णी, मिथुन चक्रवर्ती, प्रेम चोपड़ा थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1996 में बेकाबू। इस मूवी में दोस्तों ममता कुलकर्णी, संजय कपूर, अमरीश पुरी लीड रोल में देखने को मिले। बात करें मूवी की तो मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1997 में जिसका नाम था जीवन युद्ध। इस मूवी में मिथुन चक्रवर्ती, ममता कुलकर्णी, जया प्रदा, राखी गुलजार थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली मूवी 1997 में आई थी नसीब। इसमें ममता कुलकर्णी, गोविंदा, राहुल राय, कादर खान लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1998 में जाने जिगर। इस मूवी में ममता कुलकर्णी, अयूब खान, जैकी श्रॉफ लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी 1998 में आई थी किला। इस मूवी में दोस्तों ममता कुलकर्णी, दिलीप कुमार लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1998 में आई थी चाइना गेट। इस मूवी में अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, डैनी डंजम्पा लीड रोल में थे। ये मूवी एवरेज रही थी। अगली मूवी 2001 में आई थी सेंसर। इसको देवानंद ने डायरेक्ट किया। इसमें देवानंद, हेमा मालिनी, शम्मी कपूर, राखी गुलजार, ममता कुलकर्णी थे। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी 2001 में आई थी छुपा रुस्तम। इसमें संजय कपूर, ममता कुलकर्णी, मनीषा कोयराला, राज बब्बर लीड रोल में देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी 2002 में आई थी
कभी तुम कभी हम, इसमें ममता कुलकर्णी, समीर सोनी, आशा सचदेव लीड डोल में देखने को मिली। ये मूवी डिजास्टर रही थी। ये ममता कुलकर्णी की दोस्तों आखिरी मूवी थी। ममता कुलकर्णी का फिल्मी सफर बस यहीं तक था दोस्तों। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।